वेलकम टू सीता एजुकेशन चैनल। इसके पहले मैंने आपको फूलगोभी की खेती पढ़ाया था, अब इस वीडियो में आपको हम गांठ गोभी की खेती के बारे में पढ़ाएंगे। गांठ गोभी जिसे हम नूल NOL नोल फूल रात के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम देशिका ओले, देशिका ओलेरेशिया वैरायटी पहलो होती है और इसका ओरिजिन प्लेस यूरोप माना जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्रोमोसोम नंबर 16 होते हैं। इसका पहला हेडिंग प्लॉट है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। गांठ गोभी के लिए शीतोष्ण तथा सम शीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसका वातावरण में तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है उन्नतशील प्रजातियां इंप्रूव वैरायटी। इसकी नंबर एक उन्नत प्रजातियां हैं व्हाइट वेना, पर्पिल वेना, व्हाइट वेना, पर्पिल वेना, ग्रीन वेना, तमा लार्ज ग्रीन इसकी उन्नत प्रजातियां हैं। नेक्स्ट हेडिंग सॉयल। गांठ गोभी के लिए सबसे अच्छी मृदा बलुई दोमट तमा दोमट मिट्टी, जिसमें उचित जल निकास का प्रबंध हो। ऐसी मृदा गांठ गोभी के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक या इसके बीच में अच्छा माना जाता है। फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। सॉइल के बाद अगली हेडिंग आती है सीड रेट। गांठ गोभी की जो बीज दर है
एक से 1.25 किलोग्राम, एक से सवा किलोग्राम 1.25 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर्याप्त मानी जाती है। सिगरेट के बाद में फूल गोभी की जो ट्रांसप्लांटिंग है, ट्रांसप्लांटिंग अर्थात स्पेसिंग, ट्रांसप्लांटिंग जो गांठ गोभी की स्पेसिंग है, ट्रांसप्लांटिंग 30x20 सेंटीमीटर या 45x45 सेंटीमीटर L/3 लाइन गुड़े लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। L/3 अंक से पंक्ति की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी 30x20 सेंटीमीटर तथा 45x45 सेंटीमीटर रखी जाती है। स्पेसिंग के बाद सोइंग टाइम, गांठ गोभी की बुआई का करते हैं, बुआई का समय क्या होता है। गांठ गोभी की फसल की बुआई का समय, सोइंग टाइम, बुआई का क्या समय होता है। अर्ली अगस्त सितंबर फिर मीडियम की सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर और लेट फरवरी, लेट अर्थात हिल स्टेशन जो पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है, हिल स्टेशन में फरवरी के समय में फसल की बुआई की जाती है। तो इन टाइम के बाद जो अगली हेडिंग आती है मैनुअल फर्टिलाइजर। फूलगोभी की बुआई के लिए सबसे पहले गोबर की खाद खेत में डालने की आवश्यकता होती है, जिसे हम FYM कहते हैं, फार्म याम मैनुअल। 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर FYM डालनी पड़ती है तथा नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर तथा पोटाश 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर खेत में डालने की आवश्यकता होती है मैनुअल फर्टिलाइजर के पश्चात। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो सिंचाई, गांठ गोभी में सिंचाई कितनी करते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन मेथड, इरिगेशन प्रथम सिंचाई पौधरोपण के समय और रोपण के समय करनी चाहिए और रोपण के समय करनी चाहिए तथा शेष अन्य सिंचाइयां
तथा शेष अन्य सिंचाइयां 10 से 12 दिन के अंतर पर सर्दियों में करना चाहिए। सिंचाई के बाद से सिंचाई के पश्चात गांठ गोभी की फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं जिससे फसल को भारी नुकसान पहुंचता है, तो इसके लिए वीड कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। बहुत से खरपतवार एक वर्षी, दो वर्षी, चौड़ी पत्ती वाले, छतरी पत्ती वाले इस प्रकार के खरपतवार गांठ गोभी की फसल में उगाते हैं जो फसल को काफी प्रभावित करते हैं, उपज में कमी होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले निराई गुड़ाई करना चाहिए, दो से तीन बार निराई गुड़ाई तथा बेसालिन एक लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करना चाहिए। वीड कंट्रोल के बाद लास्ट हेडिंग है उपज। गांठ गोभी की उपज कितनी होती है? उपज प्रति हेक्टेयर अगर फूलों की संख्या का उत्पादन की गणना करें तो 20,000 से 25,000 फूल प्राप्त होते हैं पर हेक्टेयर, और यदि क्विंटल में इसका उत्पादन लागत ज्ञात करना चाहें तो 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर औसतन उपज होती है। इल की बात गांठ गोभी की फसल में बहुत से रोग और कीट आक्रमण करते हैं, तो उसके कंट्रोल के लिए सबसे पहला जो रोग लगता है जंपिंग ऑफ जिसको हम पौध आदर पतन रोग कहते हैं, जो कि फूल गोभी की ग्राफ में पढ़ाया जा चुका है। इस रोग में यह रोग एक पीथीमर की फफूंद के द्वारा लगने वाला रोग है जिसके द्वारा बीज अंकुरण के पश्चात जैसे ही पौधा बाहर निकलता है वो फफूंद के द्वारा ग्रसित हो जाता है और सड़ करके भूमि की सतह से ही गिर जाता है, जिससे पौधे की संख्या काफी विरल हो जाती है, कम हो जाती है और उत्पादन में भारी कमी होती है। इसको नियंत्रित के लिए बीज को थायराम या क्रेप्टान 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से